नमस्कार दोस्तों, मैं रामप्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेस ऑनलाइन। देखिए, परीक्षक कोई भी हो, सब में हौसला होना चाहिए। यदि हौसला है तो हम उस परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात आप ध्यान देंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। या तो हम परीक्षा में जीतते हैं अथवा सीखते हैं। क्या होता है, किसी भी परीक्षा में हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। या तो हम परीक्षा में जीतते हैं या तो सीखते हैं। तो दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान परिचय क्लास 11 का वीडियो 2 देखेंगे, अर्थात दूसरा वीडियो हम देखेंगे, जिसमें अभी तक हम पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है, जीव विज्ञान के जनक कौन है। साथ ही साथ हमने देखा था कि जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं और उन शाखाओं के जनक कौन है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी हैं और उसके लेखक कौन है। आज हम उसी क्रम में उसके आगे पढ़ेंगे और जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ उनके जनकों का भी नाम समझेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो पहला हम देखते हैं जो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा है, वर्गीकरण की। तो आप कहेंगे वर्गीकी, क्या है वर्गीकी। ध्यान देना, जीव विज्ञान की एक शाखा होती है वर्गीकी। आप कहेंगे यह जीव विज्ञान की वह शाखा है, वर्गीकी अथवा वर्गीकरण जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवों को लक्षणों की समानता और असमानता के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीकी। तो आप कहोगे वर्गीकी जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम जीवधारियों को देखते हैं और उनके लक्षणों के आधार पर उन्हें अलग अलग भागों में क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्गीकी कहेंगे। और वर्गीकी के जनक कैरोलस लिनियस हैं। कैरोलस लिनियस हैं। तो हमने ये देखा कि कैरोलस लिनियस किसके जनक हैं, वर्गीकी के जनक कैरोलस लिनियस हैं। दूसरा हम देखेंगे, ये तो पहली शाखा है, दूसरा हम देखेंगे अनुवांशिकी। अब प्रश्न यह उठता है कि अनुवांशिकी क्या है और इसके जनक कौन है। तो हम कहेंगे अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है, अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वंशगत योग विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। तो आप कहोगे अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशगत योग विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। इसके जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, जी जे मेंडल भी कहते हैं। तो हमने ये चीज़ को देखा। तो हमने दो शाखाओं को देखा, पहला वर्गीकी, दूसरा अनुवांशिकी। एक बार फिर से देखते हैं, वर्गीकी जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम जीवधारियों को लक्षणों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटते हैं। इसके जनक कैरोलस लिनियस हैं। फिर हम कहेंगे दूसरा भाग है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम वंशगति और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अनुवांशिकी कहेंगे। और इसके जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। तो हमने इसको देखा। अगला हम देखेंगे तीसरा, पारितंत्र। ये देखेंगे, आप कहोगे पारितंत्र जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। पारितंत्र जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि किसी भी वातावरण में जो जीव रहता है वह अपने आसपास जैविक और अजैविक क्रियाओं से क्या करता है, आकर्षण करता है और उनके द्वारा ही अपने जीवन की समस्त प्रकार की
क्रियाओं का संचालन करता है। तो आप कहोगे पारितंत्र जीव विज्ञान की वह शाखा होती है, पारितंत्र जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जैविक और अजैविक किसी पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन करते हैं। पारितंत्र या क्या कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। इसके जनक कौन है, इसके जनक है आपके टेंसली, टेंसली है, इसके जनक कौन है, टेंसली है। तो हमने ये देखा। अगली देखिए कि अगली जीव विज्ञान की कौन शाखा है जो महत्वपूर्ण है। अगला है आपका कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान। तो ये कोशिका विज्ञान क्या है, आइए हम समझते हैं। आप कहोगे जिस प्रकार प्रत्येक जीव का, जिस प्रकार प्रत्येक घर ईंटों से मिलकर बने होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक जीव का शरीर, उसी प्रकार प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं हमारे शरीर की संरचनात्मक और संख्यात्मक इकाई होती हैं, और कोशिका के अध्ययन को और कोशिका के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक हैं। कोशिका विज्ञान के जनक कौन हैं, रॉबर्ट हुक हैं। तो ये कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक हैं। तो आप कहोगे कोशिका के बारे में पढ़ना, कोशिका के कार्यों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। और कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, रॉबर्ट हुक है। अगला देखिए प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र। तो आप कहोगे प्रतिरक्षा तंत्र जीव विज्ञान की वह शाखा होती है, प्रतिरक्षा तंत्र जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम क्या कहते हैं, शरीर में होने वाले रोग या जो रोग होते हैं, उन जो रोग कारक होते हैं, मतलब उनको फैलाने वाले जो रोग कारक होते हैं, उनके प्रति जो हम सुरक्षा करते हैं उसे हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। फिर से देखिएगा, आप कहोगे प्रतिरक्षा तंत्र जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम उत्पन्न या हमारे शरीर के सुरक्षा के लिए जो सभी कार्य किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं उसे हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत औषधियाँ, टीकाकरण आदि प्रक्रम आते हैं। और इसके जनक देखिए, प्रतिरक्षा तंत्र के जनक जो हैं वो हैं एडवर्ड, एडवर्ड जेनर। तो ये कौन है, एडवर्ड जेनर प्रतिरक्षा तंत्र के जनक हैं। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्रतिरक्षा तंत्र के जनक कौन है, तो कौन है, एडवर्ड जेनर हैं। अगला हम पढ़ेंगे छठवां, सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब प्रश्न उठता है कि ये क्या है। आप कहोगे सूक्ष्म जीव विज्ञान मतलब माइक्रोबायोलॉजी, इसे इंग्लिश में हम माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। और कहेंगे आप कि सूक्ष्म जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है, सूक्ष्म जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, उससे हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहेंगे। तो हमने ये देखा। अब प्रश्न उठता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन आएगा। तो इसके अंतर्गत आएंगे कवक, जीवाणु, कवक हो गए, जीवाणु हो गए, और विषाणु, और आएगा PPLO, पॉलीनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो सुनिए फिर से, कवक, जीवाणु, विषाणु और PPLO, इसे हम कहेंगे पॉलीन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया आपके पास। तो हमने इस चीज़ को देखा। आप कहेंगे कि सूक्ष्म जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवियों का अध्ययन करते हैं, जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु और PPLO आदि। तो हमने ये देखा। अब हम देखते हैं कि जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण अगली शाखा कौन सी है। तो जीव विज्ञान की अगली महत्वपूर्ण जो शाखा है वह है आपके कौन, हरित क्रांति। क्या है अगला, हरित क्रांति, सातवां हरित क्रांति।
इसके अंतर्गत हम इसके अंतर्गत अर्थात आप कहोगे हरित क्रांति जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पौधों अथवा फसलों के बारे में अध्ययन करते हैं और उसका अत्यधिक उत्पादन कैसे हो, फसल सुरक्षा कैसे हो और उसके खरपतवार को नष्ट करने के लिए इन सभी प्रक्रमों को मिलाकर जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे ही हम हरित क्रांति कहते हैं। और हरित क्रांति के जनक यमयस स्वामीनाथन हैं। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? यमयस स्वामीनाथन हैं। ये चीज़ हमने देखा। अब हम बात करते हैं उत्परिवर्तन। तो आप कहोगे जीवों में या किसी भी जीव में होने वाले अकस्मात अर्थात अचानक किसी भी जीव में होने वाले अकस्मात परिवर्तन ही क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। तो हम कहेंगे किसी भी जीव में होने वाले अकस्मात परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। इसके जनक ह्यूगो डी ब्रिज हैं। ह्यूगो डी ब्रिज हैं। इसके जनक ह्यूगो डी ब्रिज हैं। ये चीज़ हमने देखा। अब हम देखेंगे अगली कौन सी शाखा है। तो अगली है आपकी जीवाणु विज्ञान, जिसमें हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। जीवाणु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। इसके जनक कौन है? इसके जनक हैं देखिए जीवाणु विज्ञान। तो जीवाणु विज्ञान के जनक यहाँ पर हैं आपके एंटोनी वान लुवेनहार्ट, लुई वेन हाक। ये क्या है? इसके जनक है। उसके बाद हम कहेंगे यहाँ पर विषाणु विज्ञान, दसवां है हमारा विषाणु विज्ञान, मतलब जिसके अंतर्गत हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। इसके जनक हैं इवाइनोवस्की। कौन है? इवाइनोवस्की हैं इसके जनक। ये हमने देख लिया। अब उसके बाद कौन आते हैं? अगला आता है आपका आधुनिक अनुवांशिकी। देखिए इसके जनक कौन है? इसके जनक हैं आपके TH मार्गन। कौन है? TH ऐसे लिख दें मार्गन, TH मार्गन है इसके जनक। ये हमने देखा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन बचे हैं? रक्त समूह की बात करते हैं अगला, या हम और बात कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बचे हुए हैं आपके पादपकारिकी। कौन बचा था? पादप कार्यकी। तो इसके जनक कौन है? इसके जनक हैं आपके स्टेफन हेल्स। तो हमने ये चीज़ देखा। तो आप कहोगे हरित क्रांति के जनक यमयस स्वामीनाथन हैं, उत्परिवर्तन के जनक ह्यूगो डी ब्रिज हैं, जीवाणु विज्ञान के जनक एंटोनी वान लुवेनहाक हैं, और यहाँ पे विषाणु विज्ञान के जनक इवानोवस्की हैं, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक TH मार्गन हैं, और किसके पादप कार्यकी के जनक स्टेफन हिल्स हैं। लास्ट में हम देखते हैं आधुनिक वनस्पति के जनक। देखिए यहाँ पे कौन है? यहाँ पे हैं आपके डायस्कोराइडस। तो आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है? डायस्कोराइडस हैं। देखिए ये बहुत बारीक चीज़ें हैं। आपको देखने में तो ये आसान लग रहा है कि आपने 9वीं क्लास में या और सब जगह पढ़ लिया है, लेकिन एक बात ध्यान देना, ये मैटर हर किताब में आपको नहीं मिलेगा। इसे जो अच्छी किताबें हैं, जो उच्च लेवल की हैं, उनसे चयन किया गया है, तब आपको ये जानकारी दी गई है, क्योंकि पढ़ते तो सब लोग हैं,
लेकिन यहाँ पे तरीका अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे आप एनसीईआरटी को आधार मान करके ये जो लेक्चर बनाए जा रहे हैं आपको, आपके वो एनसीईआरटी को आधार मान करके बनाए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो नीट में या और अन्य प्रकार की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है उनका भी यहाँ पर समावेश किया जा रहा है। तो हमने इस चीज़ को देखा। अब हम देखेंगे कि जीव विज्ञान, मतलब जीव विज्ञान में जो जीव आते हैं उन जीवों के वैज्ञानिक नाम क्या देखेंगे, जीव विज्ञान में आने वाले जीवों के वैज्ञानिक नाम। अब हम यह देखेंगे कि जीव विज्ञान का मतलब जान चुके हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। तो आइए हम कुछ प्रमुख जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम की भी चर्चा कर लें। तो आइए हम देखते हैं जीवधारियों का वैज्ञानिक नाम। यहाँ पे हम लिखेंगे जीव जीव और यहाँ लिखेंगे वैज्ञानिक नाम। तो यहाँ थोड़ा कर दे रहे हैं वैज्ञानिक वैज्ञानिक नाम वैज्ञानिक नाम। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे जीव इस तरफ और इस तरफ वैज्ञानिक नाम। तो हम पहली बात करते हैं, यहाँ पर जो पहला जीव है उसकी हम बात करते हैं, मान लीजिए सांप। सांप इसका वैज्ञानिक नाम है नाजा 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 नाजा। तो देखिए सांप जो भारतीय सर्प होते हैं या जो भी सर्प होते हैं उसे विज्ञान में अर्थात जीव विज्ञान में क्या नाम दिया गया है, नाजा नाजा, उसका मतलब जीव विज्ञान में उसका वैज्ञानिक नाम है। उसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा गाय। गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस बोस इंडिकस इंडिकस ये है। अभी आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि ये जो आपके जीवधारियों के नामकरण है, ये जो आपको जीवधारियों के नामकरण बताए जा रहे हैं उसके जनक कौन हैं। तो उसके जनक हैं कैरोलस लिनियस कैरोलस लिनियस लिनियस। एक बात ध्यान देना, यहाँ पर जो आपको जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम बताए जा रहे हैं उसके जनक हैं कैरोलस लिनियस। ये चीज़ हमने देखा, इसको हटाते हैं। आगे देखिए तीसरा हम लेंगे मनुष्य। मनुष्य होमो सेपियंस होमो सेपियंस सेपियंस ये हो गए होमो सेपियंस। उसके बाद देखिए आम आम मैंगी फेरा इंडिका ये हो गए मैंगी फेरा इंडिका। उसके बाद है अगला है आपका प्याज प्याज एलियम सेपा एलियम सेपा। फिर धान धान ओरिजा सेटाइबा ओरिजा सेटाइबा सेटाइबा। मटर मटर पाइसम पाइसम सेटिबम सेटिबम ये हमने देखा। और अभी आएंगे नाम ये हमने देखा। उसके बाद देखिए अगला है यहाँ पर सोयाबीन सोयाबीन इसका नाम क्या है सोयाबीन सोयाबीन। इसका वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स ग्लाइसिन मैक्स क्या नाम है ग्लाइसिन मैक्स। तो हमने ये देखा। अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे कि और भी जीवधारी आते हैं। तो पहले हम इसको बढ़िया से एक बार समझ लेते हैं। पहला है सांप, उसका वैज्ञानिक नाम है नाजा नाजा। दूसरा है गाय, इसका वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। फिर आता है मनुष्य होमो सेपियंस आम मैंगी फेरा इंडिका प्याज एलियम सेपा धान ओरिजा सेटाइबा मटर पाइसम सेटिबम सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स। अब इसके आगे हम देखते हैं। अब हम देखेंगे जो जीव बचे हुए हैं उन जीवों का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर दो भाग बनाएंगे। पहले हम
यहाँ लिखेंगे जीव जीव और यहाँ लिखेंगे वैज्ञानिक नाम वैज्ञानिक वैज्ञानिक नाम। तो ये देखिए हम देखेंगे एक है जीव एक तरफ है वैज्ञानिक नाम कबूतर लिखेंगे पहला क्या है कबूतर इधर लिखते हैं पहला कबूतर इसका वैज्ञानिक नाम है मकाका मकाका मुलाटा मुलाटा मकाका मुलाटा। दूसरा है आपका आलू आलू सोलेनम सोलेनम ट्यूब्रोशम ट्यूब्रोशम सोलेनम ट्यूब्रोशम ये हो गए। उसके बाद देखिए अभी और है इसमें सोलेनम ट्यूब्रोशम ये हो गए। तीसरा आता है आपका चौथा आएगा देखिए तीसरे में कौन आएंगे यहाँ पर यहाँ पे आएगा आपका मक्खी या घरेलू मक्खी ये आएगी। अब घरेलू मक्खी क्या नाम है यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका नाम है मुस्का डोमेस्टिका ये है। रोहू मछली इसका नाम है लेबियो रोहिता। अगला है केचुआ फेरेटिमा पोस्थोनुमा ये हो गए। उसके बाद फिर देखिए अगला कौन नाम आता है छठवां में यहाँ पे बात करते हैं तो छठवां आपका नाम आएगा भैंस बोस बबल्स ये हो गए आपके इसका नाम। उसके बाद सातवां देखते हैं और आठवां फिर देखेंगे इसी क्रम में हम और पढ़ेंगे। तो अगला है आपका ब्रेसिका इंडिका सरसों ब्रेसिका इंडिका ये हो गए। फिर अगला आता है आपका अरहर केजनस कजन ये हो गया आपके पास ये हमने देखा। और उसके बाद यहाँ पे एक दो और बचे हैं उसे हम देख लेते हैं भिंडी हिबिस्कस एस्कुलेंटस ये हुए। अब देखिए जो भी नाम यहाँ पे लिखे गए हैं आइए एक बार इनको हम समझ लेते हैं। तो आप कहोगे पहला है कबूतर में क्या है इसका वैज्ञानिक नाम ये है मकाका मुलाटा। दूसरा है आलू इसका वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूब्रोशम। फिर अगला आता है आपका घरेलू मक्खी इसका वैज्ञानिक नाम है मुस्का डोमेस्टिका। रोहू मछली इसका नाम है लेवियो। फिर अगला है केचुआ फेरेटिमा पोस्थोनुमा। फिर अगला है भैंस बोस बबल्स। उसके बाद है सरसों ब्रेसिका इंडिका। अगला है आपका अरहर केजनस कजन और लास्ट में है आपका भिंडी इसका वैज्ञानिक नाम क्या है हिबिस्कस एस्कुलेंटस ये है। अब एक और देखते हैं दसवां बाम्बिक्स मोराई। तो इसका ये किसका वैज्ञानिक नाम है ये है आपका रेशम कीट क्या नाम है इसका बाम्बिक्स मोराई ये है रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम। तो हमने देखा प्रमुख जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम ये वैज्ञानिक नाम इतने महत्वपूर्ण है कि हर प्रकार के कंपटीशन में या साथ ही साथ आपके आगे पढ़ेंगे आप
नीट कोर्स करेंगे या जो भी करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब हम देखेंगे अगला तथ्य कि जो आप लोग की किताब में शायद ही हो, बाकी हर किताब में ये कथन नहीं रहता। तो हम पढ़ेंगे थॉमस हेनरी हक्सले का यूनिफाइंग सिद्धांत। तो आइए हम उसे देखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जो हमारे सामने हेडिंग है, थॉमस हेनरी हक्सले का यूनिफाइंग सिद्धांत। आइए हम देखते हैं कि यह सिद्धांत क्या है और थॉमस हेनरी हक्सले ने क्या बताया। थॉमस हेनरी हक्सले ने बताया कि हम अपने रोड पर जब हम सुबह टहलने के लिए या वैसे भी जब समय निकलता है तब हम रोड पर आते हैं, और रोड पर आते हैं तो हमें अनेक प्रकार के वाहन दिखाई देते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि वाहन की आकृतियाँ अलग अलग रहती हैं, लेकिन सब वाहनों में पहिया जो होता है, जो चक्का होता है, वो प्रायः गोल ही होता है। ऐसा नहीं है कि कोई या किसी भी वाहन में तिकोना पहिया लगा हो या आपका वर्गाकार या चौकोर लगा हो, ऐसा नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति लगा बैठा है तो समझिए वो पागल है। आप ये कहेंगे तो हमने देखा रोड पर जितने भी वाहन चलते हैं सब में चक्के लगभग या पहिए जो होते हैं गोलाकार होते हैं। उसी प्रकार थॉमस हेनरी हक्सले ने बताया कि जो भी जीव संसार में आपको दिखाई देता है उसकी बनावट अलग अलग भले ही हो, उसकी रचना, उसका स्वरूप, उसका रंग ढंग, उसका रहन सहन, प्राकृतिक वास चाहे जिस प्रकार भी हो, लेकिन उसकी मूलभूत बनावट होती है वह एक ही जैसे होती है। चाहे हमारी अर्थात मनुष्य की बात करते हैं या आप किसी भी जीव की बात कर लीजिए, तो वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन से बने होंगे। और उस तरफ हम बात करते हैं कि किसी मिट्टी की, मान लीजिए कोई मिट्टी है, मिट्टी के कण को उठा के देखेंगे तो उसमें भी आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो वैज्ञानिक थॉमस हेनरी हक्सले ने बताया कि संसार में जितने भी जीव आपको दिखाई देते हैं उनके स्वरूप चाहे जिस प्रकार हों, लेकिन उनकी मूलभूत बनावट, रचना एक ही जैसी होती है, उसमें ही प्लाज्मा मिलता है। तो ये क्या हुआ, यही था आपका थॉमस हेनरी हक्सले का यूनिफाइंग सिद्धांत। तो दोस्तों आज यहीं तक पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ जो आपके सुझाव हों उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।